हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्ट मिक्सर यानी कि TM की। कई सारे कमेंट्स एंड कई सारे मैसेज आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो TM के बारे में भी बना दी जाए। जो लोग जानना चाहते हैं TM के बारे में, जिनको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोग इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखें। आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपको TM के पार्ट्स, माइलेज, ऑपरेशन, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें फुल टू इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। आपके पास अभी समय नहीं है तो आप बाद में देख लेना, लेकिन स्किप करके आपने देखा तो वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे ही इससे रिलेटेड वीडियोस जो भी हम आगे बनाएं तो आपको आसानी से मिल जाए। आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े कि कहां गई वीडियो, कहां गया चैनल। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा करके रखें, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपडेट हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारी वीडियो आ चुकी है। उससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पे आई है। तो हम बात करेंगे TM की। TM जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंक्रीट को बैचिंग प्लांट से कहीं और ले जाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये एक ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। तो TM जो होता है उसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, ट्रांजिस्ट मिक्सर होता है। ट्रांजिस्ट मिक्सर इज मल्टीपर्पज डिवाइस दैट यूज टू ट्रांसपोर्ट कॉन्क्रीट मोर्टर फ्रॉम कॉन्क्रीट बैचिंग प्लांट। द ट्रांजिस्ट मिक्सर इज लोडेड विद ड्राई मटेरियल एंड वॉटर। द ट्रांजिस्ट मिक्सर कंजिस्ट फ्रॉम अ ड्रम विद स्पायरल ब्लेड विच हैज द एबिलिटी टू मूव इनटू टू डायरेक्शन। ट्रांजिस्ट मिक्सर एक ऐसा मल्टीपर्पज डिवाइस है दोस्तों, जिसके थ्रू हम कॉन्क्रीट को बिना खराब किए आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जो TM होता है, TM दो साइड घूमता है। इसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं, स्पायरल ब्लेड्स इसके अंदर लगी हुई होती हैं। जैसा कि आप स्क्रू कन्वेयर में देखते हैं, वैसे ही इसमें बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। कॉन्क्रीट आसानी से इसमें मिक्स होता रहता है और जमता नहीं है। ये TM जो होता है कॉन्क्रीट को एक जगह पे स्टेबल होकर के जमने नहीं देता है। जब काफी टाइम तक गाड़ी खड़ी रहती है एक जगह, तभी ऐसी कंडीशन होती है कि TM के अंदर का कॉन्क्रीट स्टिक हो जाता है और एक जगह पे जम जाता है। तो एक ऐसी अच्छी डिवाइस है, इतना शानदार इसका काम है कि अगर आपको कहीं भी जाना है और अगर आपको छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारा कॉन्क्रीट चाहिए तो आप TM का ही यूज करेंगे, तभी आपको कॉन्क्रीट बराबर से यूज होगा। इसमें जो रोटेशन होता है वो दोनों साइड होता है। इसका जो रोटेशन क्लॉकवाइज, आप अगर इसको घुमाएंगे इसके मिक्सर को, तो आपका कॉन्क्रीट मिक्स होता रहेगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो मिक्स होता है इसका, वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके यूज की, तो ये कई जगह यूज होता है। ये जैसे कि आपके यहाँ आरी वॉल्व हो रही है या फिर कहीं ब्रिजेस आ रहा है, कहीं बूम प्रेशर लगा हुआ है, तो आपके यहाँ जो कंक्रीट यूज होगा वो TM से ही यूज किया जाता है। हम ऐसे, जैसे हम PQC करते हैं तो हम टिपर का यूज करते हैं और डायरेक्ट रोड पे गिरा करके और पेवर के थ्रू उसको, उससे रोड बनवा देते हैं। हम TM का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको छोटी क्वांटिटी में बहुत सारा कंक्रीट चाहिए होता है। इसके लिए हम TM का यूज करते हैं। जैसे कि बूम प्लेसर हो गया, उसमें भी हम TM का ही यूज करते हैं। TM के थ्रू ही मटेरियल आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए जाता है। ऐसे ही आरी वॉल्व, छोटी छोटी जो आपके साइड साइड में नालियां वगैरह जो भी बनती हैं, वो सारे कंस्ट्रक्शन के लिए TM का यूज ही किया जाता है। बात करेंगे TM के पार्ट्स की। तो TM में जैसा कि आपने देखा होगा, आगे साइड TM का वाटर टैंक लगा होता है और TM का जो ड्रम होता है उसे हम रोटेटिंग मिक्सिंग ड्रम कहते हैं, और उसके ऊपर हॉपर लगा होता है। हॉपर, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, हॉपर का यूज होता है जब आपके बैचिंग प्लांट से कॉन्क्रीट गिरता है तो सीधा TM के अंदर जाता है। एंड डिस्चार्ज शूट लगा होता है। डिस्चार्ज शूट हम एक्स्ट्रा भी लेकर के चलते हैं, अगर कहीं पे ज्यादा दूर कॉन्क्रीट की लेंग रही तो उसके लिए हम डिस्चार्ज शूट को करके वहां पे इजिली पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पैनल लगा होता है, कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, वाइस फ्रेम लगा होता है, क्लीनिंग सिस्टम लगा होता है। आपका TM अगर गंदा हो गया या आपको लग रहा है कि कहीं इसमें पानी में जम ना जाए, तो आप इजिली उसमें ले करके पाइप से उसमें पानी डाल करके और उसको साफ कर सकते हैं एट अ टाइम। फीड पोर्ट लगा होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है जिसमें कि तीन लीवर लगे हुए होते हैं, तीन लीवर कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें से एक लीवर को जब आप यूज करते हैं तो
टीएम क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरे लीवर का यूज करने से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है डिस्चार्ज करने के लिए। एंड जो बीच में एक लगा होता है वो लॉकिंग लगा होता है, उसको अगर आप ऊपर कर देते हैं तो उसके बाद टीएम लॉक हो जाता है और जितना भी आपको एक्सीलरेट करना हो वो लीवर के थ्रू आप डाउन अप एक्सीलरेशन कर सकते हैं। बात करेंगे टीएम की कैपेसिटी कितनी होती है, तो टीएम की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो 12,000 लीटर की होती है। मतलब अगर आप इसमें कंक्रीट ना डाल करके अगर पानी डालें तो 12,000 लीटर पानी आप इजिली डाल सकते हैं। कभी कभी हम बूम प्लेसर को वॉश करने के लिए भी टीएम में पानी ले जा करके इसका यूज करते हैं, क्योंकि बूम प्लेसर में टीएम से ही यूज करके पानी से हम साफ करवाते हैं। इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है साइड पे कि हम टीएम से पानी लेकर के बूम प्रेशर के लिए जाते हैं। तो 12,000 लीटर के अप्रॉक्स इसका टैंक होता है। और अगर वहीं हम कंक्रीट की बात करें तो केवल 6 क्यूबिक मीटर मैक्सिमम हम इसमें दे सकते हैं। मैक्सिमम नहीं कहूंगा, मैक्सिमम तो हम इसमें और भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज होती है टीएम की उसमें हम 6 क्यूबिक मीटर डाल सकते हैं, जिससे कि टीएम आपका आसानी से चले और हमारा कॉन्क्रीट भी सेफ्टी से जहाँ आप पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ आप पहुँचा दें। टीएम को कभी भी ओवरलोड करके बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि टीएम एक मूविंग रोटेटिंग डिवाइस है। टीएम जब आप चलाते हो, जब जो भी टीएम यूज करते हैं, जो भी ड्राइवर रहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, एंड टीएम को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। टीएम जब चलता है तो उसको रोटेटिंग पे चलता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बैलेंस बनाकर चल पाना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए टीएम का 6 क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड साइज रखा गया है, ताकि ज़्यादा कॉन्क्रीट होने से टीएम अनबैलेंस ना हो। इसके लिए हम टीएम में 6 क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड साइज ही रखते हैं। वर्किंग की बात करेंगे हम तो मिलर में दो इंजन होते हैं बेसिकली। एक होता है मेन इंजन, जिससे कि आपका टीएम चलता है, आपकी गाड़ी चलती है, और दूसरा होता है जिससे कि आपका मिक्सिंग ड्रम घूमता है। तो दो इंजन लगे हुए होते हैं, दोनों का डीजल पाइप एक ही टैंक में होता है। जो आपका रोटेशन इंजन होता है, जो आपका रोटेटरी जो मिक्सिंग ड्रम होता है, उसका जो एवरेज होता है, जो आपकी हांडी होती है उसका जो एवरेज होता है 2 से 2.25 तक उसका एवरेज होता है। इतने मतलब 1 से 2.5 लीटर तक एक घंटे में चलता है, घूमता है वो। और जो आपका मेन इंजन होता है उसका जो एवरेज आपकी चेचिस के अकॉर्डिंग होता है। वैसे जो मेन इंजन होता है उसका जो माइलेज की अगर हम बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है। और आपका जो हांडी होता है उसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2 से 2.5 लीटर पर आवर की स्पीड से हांडी के लिए उसका डीजल चलता है, उसका एवरेज आता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन टीएम की। टीएम के बारे में हमने फुल जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।